ओके, नाउ वील टॉक अबाउट पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। अब तक हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई मटेरियल है और ऐसे करके, और उस मटेरियल के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एटम हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, अगर हमने उनको सेम डायरेक्शन में क्या किया, डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल प्रोड्यूस कर दिया, क्या है यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट है, कुछ ना कुछ, ज़ीरो नहीं है, नेट डाइपोल मोमेंट। तो अब ये क्या बन गई है, एक मैग्नेट बन गई है। तो ये पता लगता है ये मैग्नेट बनने के बाद, दैट इन मैग्नेट्स सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आर लोकेटेड नियर द एंड्स ओनली। कि जो हम एक बात कह रहे हैं कि भाई जो मैग्नेट है हमारे पास, उसके जो अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी है, निकिल, कोबाल्ट, आयरन या उसके ओर्स को अट्रैक्ट करने की, वो इसके एंड्स पे, कहाँ पे, मान लो ये इसका एंड है, तो इसके एंड्स पे वो प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है बाकी दूसरे जगह के कंपैरेटिवली। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, पोल्स, दोनों हो गए पोल्स। अब इन पोल्स की, क्योंकि ये दो हैं, मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, इसलिए क्या होते हैं, दो पोल होते हैं हमेशा, इसलिए उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। दो हैं, दो मीन्स डाई, बाई का मतलब भी टू होता है, बट डाई बोलते हैं, डी आई, डाई, डाइपोल। व्हेन दिस, अब इसका एक नेचर है, व्हेन दिस मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, जैसे पहले भी बात की थी कि जो मैग्नेट्स होती हैं, चाहे वो नेचुरल हैं चाहे आर्टिफिशियल हैं, तो उनकी अपनी एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। और वो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कि जब आप उसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे, कहीं पे हैंग करेंगे, तो वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ही रुकती हैं। कहाँ पे रुकती हैं, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ही। अब क्योंकि दो पोल हैं और दो पोल में से एक पोल आपका ऐसा होगा जो नॉर्थ की तरफ जाएगा, दूसरा साउथ की तरफ जाएगा, तो जो ऐसा पोल है जो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ सीकिंग एंड या नॉर्थ सीकिंग पोल, और उसको हम क्या कह देते हैं, नॉर्थ पोल, क्योंकि वो क्या करता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन में जाके स्टे करता है हमेशा। जिस भी लोकेशन पे आप खड़े हो वहाँ पे आपको दिखा देगा कि भाई नॉर्थ इधर है, और उसके ऑपोजिट फिर आपका साउथ हो जाएगा। जो साउथ डायरेक्शन में रुकता है पोल हमेशा, उसे क्या कहते हैं, साउथ सीकिंग एंड या फिर साउथ पोल। ठीक है, आप उस किसी मैग्नेट के ऊपर यहाँ पे आप मार्क कर दो ऐसे ऐसे करके, कुछ भी, यहाँ पे एक ये मार्क कर दो और यहाँ पे ऐसे मार्क कर दो, तो फिर आप देख सकते हो कि जो हमेशा नॉर्थ में रुकेगा वो आपका नॉर्थ पोल हो गया, जो साउथ में रुकेगा हमेशा वो साउथ पोल हो गया। अनलाइक, अब एक और प्रॉपर्टी है इसके अंदर, कि अगर हमारे पास सपोज करो दो मैग्नेट हैं, एक मैग्नेट हमारी ये हो गई और एक मैग्नेट ये हो गई, अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर ये ही हमारे पास सेम पोल हो, नॉर्थ साउथ, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, साउथ और यहाँ पे नॉर्थ, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। ऐसे चार्जेस में भी होता था, आपको याद होगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपके क्या करते थे, रिपेल, और जो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते थे वो आपको क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे। ठीक है,